नमस्कार, मैं अभिजीत केलकर, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। पिछले एक एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि एसेंशियल ऑयल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, जैसे हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड है या स्टीम डिस्टिलेशन है और भी CO2 और सॉल्वेंट मेथड्स है। तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोसोल और वाटर ये क्या चीज होती है और इनका ये होता क्या है, इनका अंतर क्या है, इसको कैसे समझा जाए और इसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं, तो वो चीज आज देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये समझिए कि जहां पे हम लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से जैसे हाइड्रो डिस्टिलेशन में होता है कि पानी के साथ ही हम मटेरियल को उबालते हैं, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जैसे स्टीम कि पानी कहीं और है, वहां पे उसको गर्म करके स्टीम बनाई जा रही है और वो स्टीम फिर पास ऑन होती है आपके वेसल से और फिर वो द्रव रूप में वापस आपके रिसीवर में कलेक्ट होती है। तो जो आपका रिसीवर है उसमें आपका क्या होता है कि बेसिकली ये आपका रिसीवर जो है इसमें पानी के साथ में ऑयल की मात्रा यहां पे आपको मिलती है, तो इसमें से आप ऑयल को अलग कर लेते हैं और पानी आपका बच जाता है। ये एक जनरल प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा इसको और समझें तो जब हम इसकी जब ये प्रोसेस एक्चुअल चलती है तो इसमें आप देखेंगे तो ऑयल की मात्रा इतनी कम आती है किसी जैसे गुलाब है या ऐसे जो फ्लोरल जिसको बोलेंगे जैस्मिन वगैरह है कि उसको एक बार में उसको निकाल पाना संभव नहीं होता है। तो इस तरीके के 5-6 बैचेस 10 बैचेस लेने पड़ते हैं, उसके बाद इसको मिला करके फिर एक डिस्टिलेशन करते हैं, तब जाकर के हमें यहाँ पे 25 केजी का जो ये है इसमें 3-4 ग्राम या 5 ग्राम ऑयल मिलता है जो कि सहज सुलभ तरीके से हम लोग उसको अलग कर सकते हैं इस पानी से। तो अभी एक ऑयल के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोई भी एसेंशियल ऑयल जो है तो वो काफी सारे जो ईश्वर प्रदत्त केमिकल है, नेचुरल जो है ऑर्गेनिक जिसको बोलेंगे, जो कि भगवान की देन है, हम लोग नहीं मिला रहे हैं, तो उनसे बने होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं, फिनॉल्स हैं, अल्कोहल है, ईस्टर्स हैं, एसिड्स हैं, ऐसे काफी केमिकल ग्रुप्स रहते हैं और इसके अंदर काफी अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो हर एक मॉलिक्यूल की अपनी एक पसंद होती है, वो या तो पानी के साथ हाथ मिलाना चाहता है या तो वो वसा के साथ या तेल के साथ हाथ मिलाना चाहता है। तो जिस मॉलिक्यूल की अगर पानी के साथ एफिनिटी ज्यादा है तो उसे हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और जिसकी दोस्ती वसा के साथ ज्यादा है, तेल के साथ ज्यादा है, उसे हम लिपोफिलिक बोलते हैं। तो किसके साथ में वो मॉलिक्यूल किसमें घुलनशील है, इस आधार पे हमने उसको दो भागों में, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक, इन दो भागों में हमने उसको वर्गीकृत कर दिया। तो अभी क्या हुआ कि जब यहां पे हमारा ऑयल आया, ठीक है, तो पहले तो ऑयल की मात्रा इसमें इतनी कम थी कि हम इसको अलग नहीं कर सकते थे। तो ऑयल के जो दोनों पार्ट हैं, लिपोफिलिक भी और हाइड्रोफिलिक भी, वो दोनों इसमें रह गए। तो इसको मैं अगर ऐसे ही निकाल करके बॉटल करके अगर पैक करके बेचूंगा तो मैं इसे वाटर बोलूंगा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया कि एक स्टेप में आगे गया तो मैंने इसमें ऐसे 4-5 बैचेस और लिए और इनको इकट्ठा करके कि जब इसमें इतना ऑयल हो गया कि मैं ऑयल को अलग कर सकता हूं, ऑयल को मैं पृथक कर सकता हूं पानी से, तो मैंने ऑयल तो निकाल लिया, लेकिन ये जो बचा हुआ यहां पे पानी है इसमें भी खुशबू है। क्यों है, कैसे है? तो जो ऑयल के लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल थे जिनकी एफिनिटी पानी के साथ थी, वो पानी में कुछ इस तरीके से घुल मिल गए कि वो आप उनको अलग नहीं निकाल सकते हैं। तो इस कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इस पानी को जब हम अलग से निकालेंगे तो ये हो गया आपका हाइड्रोसोल। ये बेसिक फर्क है। तो अगर थोड़ा मैं इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब मैं वाटर की बात कर रहा हूं और एक जगह पे मैं आपके हाइड्रोसोल की बात कर रहा हूं, तो बेसिकली वाटर वो है
जहां पे पूरा ऑयल अपने पूर्ण स्वरूप में उपस्थित है, फिर वो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स हो चाहे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हो, पूरा का पूरा जो है वो यहां पे है इसके अंदर, तो उसे मैं कहूंगा वॉटर। और हाइड्रोसोल में उसे कहूंगा जहां से मैंने ऑयल अलग किया हुआ है उसके बाद का जो बचा हुआ पानी है। मतलब क्या है इसका कि जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स थे वो इसमें से निकल चुके हैं, या अगर प्रस्तुत भी है तो केवल कुछ अंश में, बहुत ही कम मात्रा में, और ज्यादातर ये आपके हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल की वजह से आपको जो भी खुशबू आ रही है वो उसकी वजह से है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हाइड्रोसोल जो है उसमें अंशतः तेल जो भी एसेंशियल ऑयल है उसका स्वरूप मौजूद है, लेकिन वॉटर में वो पूर्णतया मौजूद है। तो अगर ये मेरी एक पर्सनल राय है कि मुझे लगता है कि कभी भी वाटर जो है वो एनी टाइम आपके हाइड्रोसोल से ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे वाटर में जो ऑयल है वो अपने पूर्ण स्वरूप में उपस्थित है, जबकि हाइड्रोसोल में ऐसा नहीं है। तो ये चीज जब हम लोग क्रीम्स बनाते हैं या लोशंस बनाते हैं या और भी ऐसे जो कॉस्मेटिक जो है जो बनाते हैं जहां पे पानी का उपयोग किया जाता है, क्रीम में भी या तो ऑयल इन वाटर क्रीम होगी या वाटर इन ऑयल क्रीम होगी या वह कुछ भी, तो वहां पे जो रेगुलर डीमिनरलाइज्ड वाटर है तो उसकी बजाय आप हाइड्रोसोल या वाटर का उपयोग कर सकते हैं, तो उसमें ऑयल की जो बेनिफिट्स है जो कि बहुत ही टेपर्ड डाउन डोज उसका होगा, लेकिन जो भी है उसका बेनिफिट आपको उससे मिलेगा अगर आप उसको डीमिनरलाइज्ड वाटर को अपने फॉर्मुलेशन में इस तरीके के वाटर से या हाइड्रोसोल से अगर आप उसको एक्सचेंज करते हैं तो। हाँ, लेकिन डीमिनरलाइज्ड वाटर चूंकि उसमें कोई भी मिनरल या कुछ भी नहीं है, मैं जैसे बोलता हूँ कि एक मृतक पानी है तो किसी को जन्म नहीं दे सकता, लेकिन चूंकि ये जो हाइड्रोसोल है या फिर वाटर भी है तो जब स्टीम बनती है, मतलब 100 डिग्री के ऊपर ही बनती है, वाटर भी जो गर्म होता है हाइड्रोडिस्टिलेशन में वो भी 150 डिग्री 180 डिग्री तक भी उबलता है, तो ये सेफ है काफी कहना कि इसमें कोई भी बैक्टीरियाज वगैरह तो नहीं रह जाते, लेकिन फिर भी आमतौर पर यह देखा गया है कि अगर आप वाटर या हाइड्रोसोल को रिप्लेस कर रहे हैं डीएम वाटर से तो आपको प्रिजर्वेटिव की मात्रा थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ती है और थोड़ा ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है कि आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें मोल्ड फंगस या ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो आशा है आप लोगों को इसका फर्क समझ में आया होगा। अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताइए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।